सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बौद्ध धर्म से क्वेश्चन टेस्ट लगाएंगे और देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग केवल टेस्ट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो आंसर देने के लिए कम से कम आपको 5 सेकंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म मतलब गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो देखिए यह शाक्य कुल में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, शाक्य कुल। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए बुद्ध शब्द का एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए राहुल उनके पुत्र का नाम था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए गौतम बुद्ध को बोध गया में, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, यह बिहार में स्थित है। और देखिए जो सारनाथ है, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और देखिए यह तृतीय बौद्ध सभा हुई थी किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में, तो तृतीय बौद्ध सब संगीत जो हुई थी पाटलिपुत्र में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम प्रवचन जो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, जो महापरिनिर्वाण है वह जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया था। और देखिए फ्रेंड्स, जब गौतम बुद्ध को गृह त्याग किए थे तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो तीनों को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा फ्रेंड, तीनों इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, कुशीनगर। और देखिए फ्रेंड्स, जो श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और देखिए बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो बिहार में स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है?
तो इसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट से बताए थे वीडियो में, आप अगर देखेंगे तो ज़रूर आंसर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पाली भाषा में उनकी रचना की गई थी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में शिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में शिक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सुभद्र। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महा प्रजापति गौतमी थी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए, महामाया उनकी माता थी और यशोधरा देखिए उनकी पत्नी थी, तो अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, घोड़ा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और सारनाथ देखिए, गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और फ्रेंड्स, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध सभा आयोजित राजगृह में की गई थी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय देखिए, जो द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो वैशाली में, और किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, जो तृतीय हुआ था फ्रेंड्स वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और देखिए, जो चतुर्थ हुआ था बौद्ध सभा आयोजित, यह कुंडल वन में हुआ था, और किसके शासनकाल में,
तो कनिष्क के शासनकाल में सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अभी फ्रेंड्स ऊपर हम बताए हैं, तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सभा कुंडलवन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, और सबको अभी बताए थे ऊपर। तो और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीत थी यह पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार करें। देखिए चैत्य वो बिहार में अंतर क्या है, तो इसे बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, चैत्य व बिहार में क्या अंतर है? तो देखिए चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि जो बिहार होता है वह निवास स्थल होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल और बिहार निवास स्थान होता है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो देखिए गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, अलार कलाम। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो देखिए यह कहाँ स्थित था, तो यह पाटलिपुत्र में, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, पाटलिपुत्र। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जो जातक है, ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होता है, बुद्ध, धम्म और संघ होता है, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए जो सारनाथ है वह प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में।